छत्तीसगढ़ में चावल खरीदी को लेकर सियासी राज जारी है। किसानों के चावल न खरीदने का मसले पर भूपेश सरकार 13 नवंबर को दिल्ली कुछ करने वाली है। उनसे बात की हमारे संवाददाता रुपेश गुप्ता ने, सुनिए। कांग्रेस पार्टी दिल्ली कूच करने जा रही है, किसानों को लेकर के बड़ा प्रदर्शन होने जा रहा है। ये अपने आप में यूनिक चीज है कि पूरी सरकार सड़क के रास्ते दिल्ली जाएगी। क्या मकसद क्या है? मकसद ये है कि किसानों के साथ न्याय होना चाहिए। पिछले साल 2500 रुपये मिला था, इस साल भी 2500 रुपये मिलना चाहिए किसानों के समर्थन मूल्य, लेकिन केंद्र सरकार के अड़ियर रवैया के कारण से संभव नहीं हो पा रहा है। तो हम केंद्र सरकार से यही कह रहे हैं, आपको पैसा तो देना नहीं, पैसा राज्य सरकार देगी, तो उसमें केवल आपको अनुमति भर तो देना है। वो अनुमति हमको दे दीजिए, हम 2500 खरीदेंगे। किस तरह का प्रोग्राम है यहाँ से 13 अभी कल परसों से पूरे किसानों का हस्ताक्षर अभियान गांव-गांव में चलाया जाएगा। वो सारे हस्ताक्षर एकत्रित किए जाए ब्लॉक लेवल पे भी, जिला लेवल पे 12 तारीख के शाम तक के सारे जिलों से हस्ताक्षर युक्त पाती जो है प्रधानमंत्री के नाम से किसानों के द्वारा, वो पाती लेके जिले में प्रदेश में आएंगे। 13 तारीख को सुबह 9 बजे यहाँ से दिल्ली रवाना होंगे। उस चिट्ठी को, किसानों की चिट्ठी प्रधानमंत्री को पहुंचाने हम जाएंगे। इसके अलावा सांसदों से मुलाकात करने वाले हैं। 5 तारीख को सांसदों से मैंने बैठक किया है। उनसे क्या कहेंगे? उनसे भी ये कहेंगे कि भाई क्योंकि आप सांसद हैं तो प्रधानमंत्री से अनुरोध करिए कि अनुमति दें हमको। तो ये थे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो बता रहे थे कि छत्तीसगढ़ की सरकार और तमाम लोग सड़क के रास्ते दिल्ली कूच करेंगे, इस बात को लेकर के, इस बात के विरोध में कि केंद्र सरकार ने एमओयू का हवाला देते हुए राज्य से चावल खरीदने से मना कर दिया है, क्योंकि सरकार यहाँ पे 2500 रुपए किसानों को दे रही है। इस बात को लेकर के आपत्ति है क्योंकि 2014 में केंद्र और राज्य के बीच में जो एमओयू हुआ था उसके मुताबिक केंद्र राज्य से तभी चावल खरीदेगी जब राज्य सरकार किसानों को बोनस तनख्वाह दे। सरकार की दलील ये है कि 2 साल चुनावी साल में भाजपा की सरकार को इसमें छूट दी गई और बोनस देने दिया गया, तो वो छूट कांग्रेस की सरकार को क्यों नहीं दिया जाना चाहिए? और इस मसले पर पूरी कांग्रेस की सरकार 13 तारीख को कूच करेगी और 15 को दिल्ली में बड़ा प्रदर्शन करेगी। कैमरामैन श्याम के साथ रायपुर से रुपेश गुप्ता।